अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन रॉबी व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ बिरयानी की सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं मोस्टली बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी, ये मैंने बड़े साइज के दो प्याज जो है उनको काट लिया है, ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेंगे। अब हम इनको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। दो दस टमाटर रखी हैं, उनके छिलका उतार के उनको काट लिया था। तो अभी टमाटर मैश हो चुके हैं, तो हमारा मसाला बन चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। और साथ ही जिंजर और गार्लिक पेस्ट हम ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 kg लेग पीस जो है उनको पहले मैरिनेट करके रख दिया था दही में, और शान बम्बे बिरयानी मसाले में इसको मैरिनेट किया 2 hours के लिए। अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो अभी चिकन काफी हद तक भून चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, और 5 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। चिकन अच्छी तरह भून चुका है, इसको मैं अब सेपरेट बर्तन में निकाल लूंगी और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो लेयर्स लगाने का होगा। सो 1 kg मैंने राइस बॉईल कर लिए हुए हैं, चिकन भी 1 kg था, तो अब हम इनकी लेयर्स लगाएंगे। सो भुना हुआ चिकन मैंने निकाल लिया है, सबसे पहले राइस की लेयर लगेगी। हल्का सा ऑयल है नीचे ताकि ये नीचे ना लगे राइस। राइस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर कलर डाला जाएगा जो बिरयानी कलर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये मैं थोड़ा सा शान बिरयानी मसाला जिसके साथ मैरिनेट किया होता है चिकन को वो डालती हूँ, फ्राई प्याज डालती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में चिकन की एक लेयर लगेगी, फिर राइस की लेयर लगेगी, और इस तरह सारी लेयर्स लगा के इनको दम दिया जाएगा।
सो 10 मिनट दम देने के बाद हमारी बिरयानी एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया है इसका। बहुत लजीज और मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी।